في ظل التوجه الاستراتيجي لحكومه دبي بان تكون مدينه دبي المدينه الاكثر امنا تم انشاء مركز تدريب الكوادر الامنيه بهدف الارتقاء بكفاءه وفعاليه العاملين بقطاع الامن الخاص باماره دبي بتقديم برامج علميه حديثه ومهنيه وفقا لاعلى المعايير الدوليه भाई बान मेरे प्यारे दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कुछ सीसीटीवी के टी की है तो आज हम कुछ बात करेंगे कैमरों के बारे में कैमरे किस तरह काम करते हैं अगर उसमें कुछ फॉल्ट है कुछ मसला है तो उसको हल किस तरह किया जाता है उसको इशू को सॉल्व किस तरह किया जाता है तो आज जो का जो हमारा आ, सबक है आज का जो हमारा टॉपिक है जो लेसन है वो कुछ कैमरों के मतलब होएगा तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जो अभी अभी आए हैं जिन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन किया है तो उनको मैं अपना तारफ रहता जाऊँ मैं हूँ नदीम चट्टा और मैं 2009 से ही इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और आ, अभी अलहमदिल्ला मैं खुद का बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और साथ में ये काम भी कर रहा हूँ तो आज हम बात करेंगे कैमरों के मतलब लेकिन जो लोग नए हैं इस आ, आ, चैनल के ऊपर तो उनको मैं सीरा का थोड़ा तारफ करता जाऊं ताकि उनको पता चले कि ये सीरा किस तरह काम करता है और सीरा की जो वेबसाइट है या सीरा का जो एड्रेस है वो कहाँ से आपको मिलेगा किस तरह आप सीरा तक पहुंच सकते हैं खुद क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन जो करेंट सिचुएशन है जो हाँ वेबसाइट है उसका नहीं बताते क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप लोग खुद इसको सर्च करें खुद के अप्लाई करें या खुद ही ये आप काम करें तो वो एक चैनल के थ्रू आपको भेजते हैं या अपने थ्रू भेजेंगे लेकिन ये जो चैनल है जिस पर अभी आप, आप आए हो तो ये चैनल आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है आपको हर चीज़ का क्लियरली बताता है आप लोग खुद काम करो आपको अवेयरनेस देता है आपको तरीकाकार बताता है ताकि आप लोग खुद करो क्योंकि जो काम आप खुद करोगे उससे बहुत कुछ सीखोगे भी और बहुत कुछ आपको पता भी चलेगा और नेक्स्ट टाइम आप दूसरों को भी बताओगे और अपने लिए भी सानियाँ बनाओगे और जो दूसरों को आप एक्स्ट्रा फी देते हो उससे भी बच जाओगे या कुछ लोग धोखा फ करते हैं उससे भी आप महफूज हो जाओगे इसलिए ये चैनल आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको डायरेक्ट जो सीरा की वेबसाइट है क्योंकि सीरा डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी बंदे को कोई मसला हो तो हमारे पास सीधा के वो कंप्लेन करे या सीधा हमारे पास आए तो हम उसका मसला जो जनवन है खुद हल करेंगे अगर आप लोग नहीं जाना चाहते फिज़िकली आप अपने मोबाइल पे या इंटरनेट लैपटॉप पे इंटरनेट पे खुद देखना चाहते हो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो जस्ट या आप अप्लाई करना चाहते हो सीधा का कार्ड के लिए सिक्योरिटी गार्ड का के कार्ड के लिए या इवेंट सिक्योरिटी कार्ड के लिए या सिक्योरिटी सुपरवाइजर कार्ड के लिए या सिक्योरिटी मैनेजर के लिए सीसीटीवी के लिए किसी भी तरह का आपको कोई डिप्लोमा चाहिए कोई कोर्स चाहिए तो आप सीरा सेंटर जा सकते हो सीरा की वेबसाइट पर जा सकते हो ये सीरा की वेबसाइट है ठीक है आप इन फोसरा पे जाएंगे तो आपको मुकम्मल मालूम मिलेगी आपको इस पेज पे ले आएगा ठीक है आप इंटरनेट से अपने मोबाइल से खुद भी ये चीज़ें तलाश कर सकते हो अगर आप लोग वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते तो आप उनको फोन भी कर सकते हो यह उनका यह नंबर लिखा हुआ है अगर आप लोग फिज़िकली हो जाना चाहते हो तो ये सरा का एड्रेस लिखा हुआ है ठीक है दुबई में जिधर सरा है तो आप उधर भी जा सकते हो सरा सेंटर में या उनको बीजेबॉक्स भी कर सकते हो तो ये मुकम्मल एड्रेस है सरा का जो सरा की जेनवन वेबसाइट है उसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी फेक नहीं है कुछ भी इस तरह का नहीं है कि आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन दे अगर आप सरा के मतलब जाना चाहते हो सरा क्या है स़रा किस तरह काम करता है या सरा का जो लॉ वो क्या कहता है तो आप लोग सिरा के पेज पे जाके आप अबाउट में जाएंगे तो सिरा आपको आप सिरा की जो इंफॉर्मेशन है जो सिरा के लॉ है उसके मतलब मुकम्मल बताएगा अगर आपको कोर्स के मतलब जाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फिटनेस टेस्ट आइए सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे अगर आपको कोई उनकी आ, जो इंफॉर्मेशन है पिक्चर के बारे में वीडियोस के बारे में तो आप इधर से चेक कर सकते हो ये मुकम्मल हर चीज़ इधर है तो आप लोग खुद भी ये चीज़ें चेक कर सकते हो आप किसी के धोखे फ्रेब से बचो आपको जो लोग बोल रहे हैं कि हमको इतने पैसे दे दो तो हम वो आपका ये काम करवा देंगे यह सिर्फ बहुत मुश्किल है या इसके बहुत रूल टफ़ है कुछ भी टफ़ नहीं है मैं आपको हर चीज क्लियर ही बता रहा हूँ बहुत आसान बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग मोबाइल यूज कर सकते हो टच मोबाइल यूज कर सकते हो या लड़कियों से बात कर सकते हो तो आप ये भी काम कर सकते हो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत ही इजी काम है बहुत आसान काम है आप आराम से अपनी जो जॉब है वो कर सकते हो आप कोर्स करो अपनी इजीली जॉब करो अभी बात करते हैं सीरा किस दिन से किस दिन तक ओपन होता है क्योंकि जो वर्किंग डे है उसका आपको पता ना चाहिए तो मंडे टू फ्राइडे सीरा ओपन होता है सेवन टू थ्री ओ ठीक है तो इस टाइम के अंदर अंदर आप सिरा के हेड ऑफिस में सिरा सेंटर में जा के फिज़िकली भी विजिट कर सकते हो अगर आप लोग कोई उनसे मैसेज में बात करना चाहते हो या उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या आप लोग चाहते हो कि आप उनको अपना जो इशू है वो भेज दो तो आप उनको वो रिस्पॉन्स करेंगे तो आप कई आएँगे कॉन्टैक्ट के ऊपर तो उसके बाद आपने अपना नाम लिखना ई लिखोगे और उसके बाद अपना नंबर लिख के अपना जो आपका इशू है या जो भी आपका मसला है या आप कोई मलमात लेना चाहते हो या आपको कोर्स के मतलब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रही या कोई भी आपका जो जेनवन ईशू है सिक्योरिटी के मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप इस इधर आके अपना मैसेज टाइप करोगे और सेंड कर दोगे और सरा आपको विदिन वन एंड टू डेज सिरा आपको रिप्लाई करेगा सिर आपको जो सिरा की वेबसाइट है उससे जेनवन जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी जिस तरह आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे से इन्फॉर्मेशन लेते हो इसी तरह सिरा भी एक समय गवर्नमेंट अदारा है तो सिरा भी प्राइवेट नहीं है प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है ठीक है क्योंकि पहले डी पी एस था वो गवर्नमेंट का डायरेक्ट अदारा था अभी इन्होंने सिरा बना के इसको प्राइवेट कर दिया है तो सिरा जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है कि काम करता है लेकिन प्राइवेट है ठीक है ये इनके साथ हैं जो मेन है जो सिरा का लाभ बनाते हैं ये लोकल हैं दुबई के और ये ही सिरा का पूरा लाभ इनकी वजह से बनता है और इनसे अप्रूवल होके ही आता है तो होप्स हो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी तो जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये मेन पेज ओपन होएगा, ठीक है उसके बाद आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो हर तरह के कोर्स हर तरह की इन्फॉर्मेशन इधर मौजूद है अगर सिरा के बारे में इन साहब के बारे में आप जानना चाहते हो तो आपको ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से आप ये देख सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में हिंदी में जिस भी जबान में आप चाहो आप ट्रांसलेट करके अभी तो गूगल ट्रांसलेटर है उसमें आप ट्रांसलेट करके इसको जान सकते हो क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है इंसान हर काम कर सकता है अगर उसका इरादा हो अगर वो करना चाहे और अगर वो ये चीज़ अपने जेन में बिठा ले कि मैं ये करके रहूँगा तो वो कर लेता है तो हिम्मत मत हारिए अपना जो है कोर्स वो करें और अपनी जो जाब है उसको ईजी करें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी जॉब के लेबर काम में लेबर जॉब कर रहे हो या सिक्योरिटी गार्ड काम कर का रहे हो तो भाई उसको इंप्रूम, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ कोई अच्छा कोर्स करो और अपनी जो जॉब है उसमें कुछ भी इंप्रूव लाओ ताकि आपकी सैलरी भी बढ़े और आपकी जो है वो रिस्पेक्ट भी हो और आपका काम भी इजी हो तो चलें आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और जो घंटी का साथ बटन है उसको भी हल्का सा टच कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए इस चैनल के ऊपर सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आपको उसकी मलूमत मिले तो करना ना करना वो बात होती है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ये चैनल देता है आपको इनफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुबई गवर्नमेंट में सिक्योरिटी के मतलब क्या चल रहा है जो सीरा के रूल हैं जो गवर्नमेंट का दा वो आपसे क्या डिमांड करता है और आप किस तरह कर सकते हो हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है कोई भी आपका रिश्तेदार जो इसके मतलब जानना चाहता हो या इसमें दिलचस्पी रखना चाहता हो उससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो से शेयर कर सको और आप उसकी हेल्प हो जाए आपकी हेल्प की वजह से किसी अगर जाप लगती है तो वो आपको दुआ देगा और अल्लाह का आपका भी भला करेगा और आपकी भी जाप में आसानियाँ हो सकती हैं समटाइम ये भी होता है कि हमारे मुतल की इंफॉमेसन नहीं है छोड़ो यार और फ्यूचर में हो सकता है आपको इससे काम पड़ जाए आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इंसान के ज़िंदगी में बहुत काम आती है तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करो और अगर आप इस जॉब के मुतल कुछ जानना चाहते हो या आप इसमें जॉब कर रहे हो सिक्योरिटी में तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब करो ताकि ये चैनल हर तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाए चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड के मुतल हो चाहे वो सीसीटीवी के मतलब हो चाहे वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के मतलब हो और चाहे ये सिक्योरिटी मैनेजर के मुतल हो और अ... चाहे इवेंट सिक्योरिटी के मतलब हो आगे जा कर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सिक्योरिटी का या आप प्राइवेट कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप किस तरह कर सकते हो और कितनी फ़ी उसके लिए चाहिए ठीक है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूला करो क्योंकि ये चैनल जस्ट आपकी हेल्प के लिए ही हम लोगों ने बनाया तो जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है सॉरी फॉर थोड़ा सा पानी पिए <laughs> तो चले बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके मुताल तो आज बात करेंगे हम कैमरों का जो इसमें इसका मैं आपको जनरली बता देता हूं ये है क्या ठीक है तो सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाए आज जो है किसके मतलब बात करना चाहते हैं और हमारा आज का जो मौजू है वो लेसन वो है क्या और आपको इस चीज़ का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाए क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इस डिपार्टमेंट में ना काम कर रहे हो जो देख रहे हैं जो अपनी कंट्री में हो इंडिया में पाकिस्तान में बांग्लादेश या नेपाल में या किसी भी कंट्री में तो उसके मतलब वो दिलचस्पी रखना चाहते हैं या दिलचस्पी रख रह रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होएगा तो आपको पता चल जाएगा अभी मैं को आपको बात पता चलूँ क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो सीरा डिपार्टमेंट है जो ये जो सिक्योरिटी का लॉ है रूल है ये जस्ट दुबई के लिए है भाई ये जो लॉ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि जो सिरा डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल है आपके पास अगर इस चीज़ का डिप्लोमा है कोर्स है तो आप पूरी दुनिया में जाके किधर भी काम कर सकते हो क्योंकि जो सीरा है वो इंटरनेशनल है सीरा का जो कार्ड है इंटरनेशनल है दुबई में अगर आप लाइसेंस लेते हो ड्राइविंग लाइसेंस सिक्योरिटी का लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस तो वो इंटरनेशनल होता है और आपको जिधर भी आप चाहो जब भी आप चाहो जॉब कर सकते हो उसके ऊपर ऊपर तो आपके लिए ये नुकसानदेह नहीं है या आप मत बोलो कि आप दुबई में नहीं हो तो आप इस कोर्स को क्यों देखो या आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या आप दुबई में यू में नहीं आना चाहते भाई अगर आप ये कोर्स कर लो या आप इसके मल्मा रखते हो तो आप दुनिया के किसी भी जगह में किसी भी मुलक में जाओ तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा आप किधर भी जाके ये काम ये जो जॉब है सिक्योरिटी की वो कर सकते हो तो आज बात करेंगे जो आ, आ, जो अभी आपको इसी इस बारे में बताऊँ तो ये जो लोग कारीगर होते हैं तो इसको टेक्नीशियन बोला जाता है तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन के बारे में तो इसका काम क्या ये किस तरह करता है और इनका एक्चुअली काम है क्या ठीक है तो सेम अभी मैं तो हर कोर्स में ये लाइन आपको बता के खुद भी कुछ आ, इस तरह फील करता हूँ कि यार बार बार क्यों बताता है तो चले बताना मेरा काम है ठीक है द, आ, इसके बारे में बात करते हैं टेक्नीशियन के बारे में सीखे डोवेल्प सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन टेक्निकल स्किल एंड प्रोवाइड दैम विद द नॉलेज नेसेसरी टू कैरी आउट देयर वर्क इनको विद्रेंट रेगुलेशंस एंड गुड प्रैक्टिस तो आपको ये सेम लाइन है हर टॉपिक में हर जो लेसन में मैंने बताया तो सेम यही है कि मौजूदा हालात के बारे में आपको बताता है कि आप इस जाप को किस तरह सर अंजाम दोगे इसका मतलब क्या है और इसकी एक्चुअली ज़रूरत क्यों है और आप किस तरह करोगे ठीक है तो सेम ये एक वर्ल्ड चेंज होता है हर कोर्स में बाकी जो तो सेम वो ये लाइन तो बात करते हैं सबसे पहले कोर्स की जो फी है वो कितनी है कोर्स कितने घंटे का है और कोर्स को आप किस तरह कर सकते हो ठीक है तो इसमें दो तरह के हैं ठीक है तो इसमें प्रैक्टिकल भी आपको होएगा फिर आपको पढ़ाया भी जाएगा तो दो तरह का आपका वो जो टेस्ट है वो लिया जाएगा पहले आपको पढ़ाया जाएगा उसका भी आपका टेस्ट होगा फिर आपको जो प्रैक्टिकल वो भी दिखाया जाएगा और उसका भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो कोर्स की जो फी है वो फोर थाउजेंड है चार हज़ार दर्म है उसके बाद जो कोर्स की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है मस्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए ठीक है आप बोल नहीं भी सकते लेकिन आपको लिखनी या पढ़नी आनी लाजम चाहिए ठीक है उसके बाद है कोर्स का जो टाइमिंग पीरियड है आप कितने दिन में करोगे तो चार दिन है ठीक है ये देखो फोर डे लिखा हुआ है उसके बाद ट्रेनिंग आवर थर्टी टू आवर ट्रेनिंग है बत्तीस घंटे टाइम है इस बत्तीस घंटे में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होएगी ठीक है उसके बाद आता है फॉर्म तो प्लीज डाउनलोड दिस रेलिवेंट एप्लीकेशन फॉर्म तो आप इधर अप्लाई करोगे ठीक है ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये सेम है हर कोर्स की सेम होती है जैसे आपने बताना होता है कि आप इसको किस तरह करोगे ठीक है तो सेम फॉर्म है जैसे सिक्योरिटी गार्ड का है सुपरवाइज़र का है या सिक्योरिटी मैनेजर की ट्रेनिंग में आपको बताया मैंने तो इधर आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आएगी वाइट बैकग्राउंड में ये आप मत बोला करो कि वाइट बैकग्राउंड क्यों होती है क्योंकि जो भी ऑफिशियल पिक्चर होती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ की जाती है उसकी जो बैकग्राउंड है वाइट आती है तो वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी आएगी सेम आपकी एज आएगी सेम आपका कैमरा आई आएगा उसके बाद आपका कंपनी का नाम आपका कंपनी का जो टी आर नंबर है उसके बाद आपका जो आपकी जो पोजीशन है आप किस पोस्ट पे मसलन के आप सिक्योरिटी गार्ड हो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो या कोई और आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से फिर आपका कंपनी एड्रेस आएगा ठीक है ई मेल एड्रेस ठीक है तो ये सेम है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आप सेकेंड टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट फुल ट्रेनिंग है या आप रिसेट कर रहे हो आ, तो रिटेस्ट है तो आपको ये सेम फॉर्म है ठीक है उसके बाद ये फी लिखी हुई है ठीक है तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है कुछ चीज़ें होती हैं ये चीज़ें आप नहीं करोगे ये नहीं करोगे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप जस्ट वो दोगे और जो बाकी हैं जो ये जो हैं आ, वो आपने छोड़ देना क्योंकि सीरा आप खुद ही फिल करता है इसको ठीक है अगर आप फिजिकली जाओगे तो सिरा आपको ये फॉर्म भी नहीं देता वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और खुद फिल कर लेते हैं अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप सिरा सेंटर में जाओ तो ये वो आपको फॉर्म भी नहीं देते जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं आपका पासपोर्ट साइज पिक पिक्चर लेंगे आपका जो है वो पासपोर्ट कापी लेंगे आपका वीजा कापी लेंगे और अगर आपके पास एम्ब्रेस आई है तो वो लेंगे बस और कुछ भी नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल करके वो आपका ईमेल एड्रेस लेंगे और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और आपको वो बाद में फिर ईमेल कर देंगे या मैसेज कर दें फ़ोन के ऊपर आपकी ट्रेनिंग इस दिन है और इस दिन से लेके इस दिन है तो आपने इस दिन आ जाना है ठीक है वो आपको मैसेज आ जाता है तो उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और अपनी डेट टाइमिंग जो है वो डालनी है सिंपल ये कुछ भी नहीं है तो आप लोग आराम से ये कर लोगे तो अगर आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इधर से आप कर सकते हो अगर फॉर्म ही डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक है तो यही है सब कुछ अभी मेन पे चीज़ पे आते हैं ठीक है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है कोर्स कंटेंट जो है जो कोर्स का मौजू है वो क्या है ठीक है तो सबसे पहले हर कोर्स की तरह पहले इंट्रोडक्शन होता है उस इंट्रोडक्शन मतलब कि उसके बारे में पहले बताया जाता है जो सिस्टम है वो है क्या किस तरह काम करता है किस तरह ये फंक्शन करेगा उसके बारे में मसल मालूम दी जाती है उसके बारे में पहले सबसे पहले ठीक है ये सिस्टम है क्या और किस तरह काम करेगा इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में बताया जाता है जिससे आपको बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अपने मुतल बताओ इस तरह ये जो इंट्रोडक्शन होती है, जो इंट्रो होता है ये जस्ट पहले उसके मतलब उसका तारफ कराया जाता है जैसे आप किसी को मिलते हो तो अपना तारफ कराते हो वो बंदा आपको अपना तारफ कराता है इस तरह आप जब इस कोर्स के लिए जाते हो सबसे पहले जो पहला टॉपिक होता है वो यही होता है कि उसके आपसे पहले बताया जाता है ये सिस्टम है क्या ये इस कोर्स का मौजू क्या है और किस तरह के मुतल आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और ये एक्चुअली काम क्या करता है तो उसकी जो मालूम है सबसे पहले वही उस सिस्टम की और वही आपको दी जाती है ठीक है उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रिकल Uh, थ्योरी ठीक है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है ये जो मीटर है वो किस तरह काम करता है ठीक है तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी एंड यूज टू मल्टीपल मीटर ठीक है तो आपको ये इसके बारे में बताया जाएगा कि ये है क्या ये इसका मतलब क्या है या ये किस तरह काम करेगा या इसका जो मौजू है वो है क्या तो इसके मतलब फिर आपको बताया जाएगा पहले आपका आएगा इंट्रो और दूसरे में आपको ये इसकी थ्योरी इसकी जो मल्टीपल मीटर है ठीक है उसका इस्तेमाल आपको बताया जाएगा ये किस तरह काम करता है और इसका इस्तेमाल क्या है और ये क्या आपको चीज़ें दिखाएगा और इसका फंक्शन क्या है तो उसकी जो थ्योरी थ्योरी मतलब डिटेल ठीक है डीपली जाके फिर आपको उसके बारे में बताएंगे ठीक है फिर दिखाएंगे ठीक है तो आ, इस वो जो आप इजी जबान बोलें इस आले के बारे में इस चीज के बारे में ठीक है आपको फिर वो इसकी डिटेल बताएंगे ठीक है उसके बाद आता है वीडियो प्रिंसिपल ठीक है एंड हाई डेफिनेशन वीडियो ठीक है उसके बारे में फिर आपको बताया जाएगा वीडियो के जो असूल हैं कानून हैं ठीक है तो ये क्या है और ये किस तरह आ, ये जो वीडियो आ, जो कैमरे होते हैं ये किस तरह काम करते हैं किस तरह वीडियो बनाते हैं और इनके लेंस किस तरह के हैं इनको अगर आ, कुछ आ, आ, मसला बन जाता है तो वो आप किस तरह हल करोगे ठीक है क्योंकि जो सीसीटीवी सिस्टम है ये दुबई का वो सुसन खास कंपनी को दिया जाता है ठीक है और उस कंपनी को जिसके पास डिप्लो लाइसेंस हो जिस जिन कंपनी के पास ऑफिशियल प्रोफेशनल बंदे होते हैं जो ये काम कर सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी और कैमरे का जो सिस्टम है दुबई मसूस वो बहुत ही सास है और डरेक्टली जो ये जो लाइसेंस होता है कंपनी का या जो कोर्स होते हैं वो सीधा खुद करवाता है ये कैमरे रोड में भी हो सकते हैं ठीक है जो रोड में कैमरे लगे होते हैं जो फाइन फाइन देते हैं लोगों को ठीक है ट्रैफिक या बिल्डिंग में जो लगे होते हैं या जिस तरह ये कैश गा, गाड़ी होती है ट्रांसकार के पास व्हीकल तो उनके ऊपर भी कैमरे लगे होते हैं ठीक है तो ये जो सुसन ये जो चीज़ें होती हैं इसलिए कोर्स करवा के सिक्योरिटी वालों को प्राइवेट लोग भी करते हैं तो सुसन सिक्योरिटी वालों को जब यह दिया जाता है तो उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं ताकि सीरा हर चीज़ को खुद हैंडल करे सीरा इसलिए खुद ट्रेनिंग करवाता है वरना पर लोग प्राइवेट भी करके तो ये काम कर सकते हैं लेकिन सीरा खुद चीज़ें बताता है और उनके उसका रसूल और रूल बताता है ताकि योग सीरा के अंडर काम करें और सीरा की पॉलिसी के मुताबिक काम करें ताकि सीरा की मुकम्मल गिरफ़्त हो इस चीज़ के बारे में क्योंकि सिक्योरिटी के मुताल से जो गवर्नमेंट है दुबई बहुत एहसास है बहुत इस चीज़ को करीब से देखती है तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने पास रखी हैं ठीक है थीके? उसके बाद आता है जी डिस्प्ले स्क्रीन ठीक है डिस्प्ले जिस तरह आप देख लें मोनीटर है, है, या कंप्यूटर का मोनीटर होता है या टी होता है तो यह डिस्प्ले मतलब दिखाया किस तरह जाता है स्क्रीन में इससे डिस्प्ले मतलब करना मतलब दिखाना फ्रंट ठीक है डिस्प्ले फॉर एग्जाम्पल आप आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है कोई ठीक है वो भी आपका एक डिस्प्ले है या आपने एक इश्तेहार लगाया हुआ है ठीक है लोगों को उसके अपनी जो कंपनी है या अपनी शॉप है या आपका कोई भी चीज है इसको फ्रंट सेट में लेके आना उसको बोलते हैं डिस्प्ले तो डिस्प्ले का मतलब होता है कि फ्रंट ठीक है एक्चुअली है क्या और आ, इसका मतलब क्या डिस्प्ले स्क्रीन उसकी आ, इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे उसका उसकी फ्रंट दिखाएंगे उसकी जो बे, आ, बेस है वो दिखाएंगे ठीक है उसके बाद आता है जी कैमरे ठीक है तो कैमरे तो आपको पता ही है फिर इसके मतलब अभी क्या कि कैमरा आपके मोबाइल में भी है और कैमरा मस कैमरों के बारे में बताया जाएगा कैमरे किस तरह काम करते हैं कैमरा का एक्चुअली मकसद क्या है कैमरे किस तरह फिक्स किए जाते हैं कौन कौन से कैमरे हैं और आ, कौन सा बड़ा कैमरा जो है वह वो, वो आ, बहुत करीब से पिक्चर लेगा कौन सा कैमरा बहुत दूर से पिक्चर लेगा कौन से कैमरे में कितने लेंस हैं कितनी उसकी एबिलिटी है कितनी उसकी क्वालिटी कितनी है और आ, कैमरों की जो जो क्वालिटी है उसकी डेफिनेशन है उसके बारे में बताया जाए किस तरह के कैमरे होते हैं और किस तरह उनको फिक्स किया जाता है मसलन कैमरों की डिटेल आपको बताया जाए कि कैमरे होते क्या और किस तरह काम करते हैं जो जो कैमरे खूस सेफ्टी के लिए बिल्डिंग्स में टावर्स में या रोड में या गाड़ी को फिक्स किए जाते हैं तो वो होते किस कैटेगरी हैं कितने कैमरे होते हैं कुछ एहसास कैमरे होते हैं कुछ प्राइवेट कैमरे होते हैं मसलन बहुत आ, बहुत समाल छोटे होते हैं जो लोगों का आम को पता भी नहीं चलता और बहुत कैमरे बड़े होते हैं तो हर कैमरे की आपको डेफिनेशन बताया जाएगी कैमरा दिखाया जाएगा कि इस तरह कैमरा होता है और इस तरह ये काम करता है उसके बाद जो लेंस हैं तो, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि कैमरा कैमरे की जो लेंस हैं क्योंकि कैमरे की बुनियाद जो चीज़ होती है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये कैमरे किस तरह फंक्शन करते हैं और इसकी जो इसका जो मटेरियल किस तरह का है ठीक है जिस तरह गाड़ी का एक इंजन होता है ना तो इस तरह जो कैमरे हैं इनका जो लेंस है ये भी इनकी बुनियादी चीज़ होती है तो इसके ऊपर ये कैमरे का ज़्यादा फोकस होता है इसके तो बारे में आपको बताया जाएगा उसके बाद आता है कैमरे का आ, जो आ, जो सिस्टम है ठीक है लेंस सेटअप ठीक है तो ये कैमरा फंक्शन किस तरह करेगा तो उसके बारे में फिर आपको बताया जाएगा कि कैमरे का सूसी जो उसके लेंस हैं जो उसकी आ, उसका जो काम है वो क्या है और आ, ये किस तरह आ, काम करता है ठीक है उसके बाद आता है टर्मिनेशन जो केबल्स वगैरह होती हैं और आ, जो मस आप फिक्स किस तरह करेंगे इसको इसकी जो केबल है जो वायर होती है ठीक है वो किस तरह सेट करेंगे किस तरह उसका जॉइंट लगाएंगे किस तरह ये देखिए जिस तरह इस पिक्चर में भी दिखा रहा है ठीक है कैमरे की जो जॉइंट होता है जैसे एक टेक्नीशियन काम करता है ठीक है आप वो उसको किस तरह लगाएंगे जॉइंट किस तरह करेंगे या फिक्स किस तरह किया जाएगा तो उसके बारे में फिर आपको बताया जाएगा ये एक्चुअली काम जिस तरह एक टेक्नीशियन काम करता है ठीक है ये देखें कैमरे के डिफरेंट क्वालिटीज हैं तो उसके बारे में फिर आपको उसकी केबल के बारे में ठीक है फिर बताया जाता है फिर उसके बाद आता है हाउसिंग एंड मोनिटरिंग ठीक है तो आ, इसका मतलब क्या है ठीक है मोनिटर किस तरह कैमरा करेगा ठीक है तो उसके बाद ये ये पिक्चर देखो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखो कैमरा किस तरह मॉनिटर कर रहा है ये आपको फ्रंट में देखो पिक्चर क्या है फ्रंट भी उसकी दिखा रहा है जो बने सामने खड़े हैं ये मोनीटर किस तरह करता है ये फंक्शन किस तरह करता है ये इसका जो मेन ये ये जो चीज़ है ना ठीक है इजी जबान में आपको बताऊं यही है ठीक है इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है ये तो जो जो स्क्रीन है ये जस्ट डिस्प्ले कर रही है ये जस्ट दिखा रही है लेकिन जो एक्चुअली फंक्शन है वो ये चीज कर रही है ठीक है तो इनके बारे में फिर इसके बारे में ठीक है डिस्प्ले के बारे में फिर कैमरे ये देखो डिफरेंट क्वालिटी के कैमरे हैं ठीक है कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई इस तरह का लेंथ ही है ठीक है तो इनके बारे में फिर आपको बताया जाएगा कि इसका एक्चुअली काम काम की। जिस तरह लास्ट आपने पॉइंट देखा कि कैमरे तो मैंने इस आपको बताया कि कैमरों की जो डेफिनेशन है जो उनके क्वालिटीज हैं उसके बारे में फिर बताया जाता है ठीक है फिर उसके बाद आता है फुल फंक्शन कैमरे एक्चुअली कैमरा फिर जाके फिर काम क्या करता है ठीक है तो उसके बारे में जिस तरह इस पिक्चर uh, में भी उन्होंने दिखाया हुआ है ठीक है जैस ये देखो कैमरा एक्चुअली काम क्या करता है ठीक इस है इसमें डिस्प्ले है ठीक है अभी कैमरा फुल फंक्शन में है अभी कैमरा फुल काम कर रहा है तो उसके बारे में बताया जाएगा एक्चुअली कैमरा काम क्या करता है और इसकी क्वालिटी क्या है और इसका एक्चुअली मकसद क्या है ठीक है तो इसके बाद बहुत इजी है बहुत आसान है इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है ठीक है जो ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ठीक है ये तो आपकी भी हेल्थ हो सकती है ठीक है आपके जो इर्द गिर्द वर्कर हैं वो काम उसके बारे में भी बात की जाती है ये हर हर आपको लेसन में हर टॉपिक में हर कोर्स में आपको मिलता है जो ये जो सिस्टम है वो सेम ही है ठीक है ये सेफ्टी का हेल्थ का आपकी भी हेल्थ हो सकती है आपके जो क्लिक हैं उनकी भी सिस्टम का भी ध्यान रखना है इसमें कुछ फॉल्ट ना है इसकी भी हेल्थ कार्ट क्योंकि सिस्टम ये काम करता है या आप कैमरे वॉच कर रहे हो तो आपके एरिए में कोई बंदा इंजर्ड हो गया है या उसको हार्ट अट, हार्ट अटैक हो गया तो उनकी भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी का ठीक है ख्याल रखना उन लोगों का जो काम कर रहे हैं या अपनी जो हेल्थ आप जब काम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी का ठीक है आपने सेफ्टी मुकम्मल की हो आप बीमार ना हो तो इस चीज का दुबई गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है इसलिए हर कोर्स में ये लोग बताते हैं ठीक है फिर इसके बाद लाइटिंग आता है तो कैमरों में कुछ में लाइट्स होती हैं कुछ में नहीं होती तो उसके बारे में फिर आपको बताया जाएगा फिर उसके बाद आता है डिजिटल रिकॉर्डिंग ठीक है स्टोर तो स्टोरेज के बारे में फिर आपको बताया जाएगा कि डिजिटल का डिजिटल एक्चुअली है कि अभी तो आपको पता है पूरी दुनिया डिजिटल है तो अभी तो आपके मोबाइल में कैमरे जो है उसपे भी बहुत आँ... हाई क्वालिटी दी जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग में या उसके वीडियो में तो इसको आ, डिजिटल जो चीजें हैं ठीक है अभी तो अब बिजनेस भी लोगों का डिजिटल हो गया है तो डिजिटल रिकॉर्डिंग के बारे में बताया जाएगा भाई स्टोर किस तरह का है उसके बारे में बताया जाएगा फिर आईपी वीडियो ठीक है उसके बारे में बताया जाएगा तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे आपको पढ़ाएंगे भी आपको कोर्स भी करवाएंगे ठीक है फिर उसके बारे ला के बारे में बताया जाएगा ठीक है तो हर तरह की जो चीज़ है उसको ये खोल खोल के वाजे और बहुत ही इजी इस में आपको बताएंगे अगर आपने अपनी लाइफ में पहले काम किया है तो फिर बेहतर है अगर नहीं भी किया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये बहुत डीपली जा चीज़ें बताते हैं और बंदे को ट्रेन कर देते हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है उसके बाद जो ला है जो सीरा के इस कोर्स के बारे में तो वो उसके बारे में बताया जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है इस कोर्स के लिए ठीक है प्रैक्टिकल आपका एग्जाम भी होएगा प्रैक्टिकल आपको पढ़ाया भी आपको आपका टेस्ट भी लिया जाएगा ठीक है तो ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है इस काम के लिए जब आपकी फोर थाउजेंड फी है कोर्स के लिए तो आपकी लाजम जो थाउजेंड से फाइव थाउजेंड आपकी सैलरी होगी अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि कोई भी हुनर होता है कोई भी आपने काम सीखा हुआ आपकी लाइफ में तो वो ज़ाया नहीं होता आपका किसी न किसी जगह वो काम आ जाता है तो यही कोर्स का मतलब है यही है इजी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है कोई भी इस तरह का आपके लिए हार्ड काम नहीं है तो इसमें आ, कोई बंदा आज तक मैंने सुना नहीं है जो फेल हो जाए जो ये कोर्स पास ना कर सके ठीक है बहुत ही इजी होता है बहुत आसान होता है तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ठीक है यही है जस्ट टॉपिक इसके बारे में फिर आपको डिटेल में बता, बताएंगे तो उसके बाद फिर आपका एग्जाम लेंगे और जस्ट ये एक फार्मेलिटी होती है सिरा जो डिपार्टमेंट है किसी को फ़ेल करता नहीं है आज तक मैंने नहीं सुना इतना मुझे भी बारह तेरह साल हो गए हैं दुबई में तो मैंने आज तक नहीं सुना किसी को सिरा ने फेल किया हो जैसे उसको जॉब से निकाल दिया हो वो वैस ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग देने के बाद फिर आपको आपको पता चल जाता है जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो वो बोध कुछ सीख जाता है तो हिम्मत रखें हौसला रखें फोर थाउजेंड इन्वेस्ट करें और कोर्स करें और उसके बाद आपको ये जॉब के हाई चांस हैं अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी आपको जॉब देंगे अगर वो वो नहीं जॉब दे रहे हैं, तो आप लोग बाहर भी किसी कंपनी में ठीक है बहुत बड़ी कंपनी है ट्रांसगार्ड है ग्रुप फोर है वर्ल्ड सिक्योरिटी है और भी बहुत सी कंपनियां सिक्योरिटी की जो ये हायर करते हैं लोग और उनको हाई क्वालिटी की जो, जो सैलरी है वो देते हैं तो आपको हौसला रखना चाहिए अगर आप ये काम सीख भी गए हो आप अपनी कंट्री में जाके भी ये काम खुद भी कर सकते हो ठीक है आपके पास डिप्लोमा इंटरनेशनल हो जाएगा तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तब भी कर सकते हो ठीक है तो आपको ये लाजम करने चाहिए तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कोर के बारे में मुकम्मल मालूम मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा अगर आपको फिर भी कोई मसला है कोई कन्फ्यूजन है कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज करना कमेंट्स में और अगर आप सिरा वेबसाइट पर जाकर खुद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है तो आप इस पर ख़ुद भी रबता कर सकते हो तो अपना और अपने के लोगों का ध्यान रखना और चैनल का भी ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब लाजम करना और वीडियो को लाइक और शेयर लाजम करना एक नई वीडियो एक नए टॉपिक तक तब तक मुझे दीजिए इजाज़त बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम